हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट टू। कि आपने किसी भी बीमारी को कैसे रिवर्स करना है। मैंने पार्ट वन में बताया था कि आपका डीएनए क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में। यह आपके लिए पार्ट वन वाला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्ट टू को समझना चाहते हो। मैंने सिंपल भाषा में बीमारी को जड़ से खत्म करने का तरीका बताया है। पार्ट वन में मैंने ये बताया था कि आपका डीएनए खराब होता है जब आपके एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, मतलब हर मील के अंदर प्रोटीन खाया करो। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डीएनए डैमेज होता है आपकी मिनरल डेफिशिएंसी से। मिनरल्स कहाँ गए, वेयर आर द मिसिंग मिनरल्स। 92% टाइम जब कोई बीमारी जड़ से लग जाती है उसके पीछे होता है मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण है सॉइल। हमारी सॉइल के अंदर से मिनरल्स मिसिंग है। सॉइल मतलब प्लांट अपनी जड़ों से, सॉइल से, मिट्टी से मिनरल्स लेता है, और जब हम ये प्लांट खाते हैं तो हमारे अंदर मिनरल्स आते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर एक फार्मर ने सॉइल के ऊपर पौधा उगाया है तो पहले उनको फर्टिलाइजर्स डाल के सॉइल को रिप्लेनिश करना चाहिए, तभी दूसरा पौधा उगाना चाहिए। बट बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण ये टाइम नहीं था, जिसके कारण आई हमारे अंदर मिनरल डेफिशिएंसी। अगर आप मिनरल रिच प्लांट का एप्पल खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद जाके आप किसी सुपरमार्केट से एप्पल लेके आओ, वो सिर्फ मीठा पानी है, आप खा ही नहीं पाओगे। ये मेरे घर का भी एक रूल है, अगर एप्पल आएगा तो मंडी से आएगा, अदरवाइज मैं सुपरमार्केट से एप्पल नहीं लेके आती हूँ। अगर आपको नरिशमेंट और भूखे रहने में चूज करना है, यहाँ पे बैड नरिशिंग फूड है और यहाँ पे भूखे रहना है, इससे बेटर है भूखे रहो। इसीलिए मैं प्लेन में खाना नहीं खाती हूँ। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम सब क्या है, एक एनर्जी फील्ड है। हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी है अराउंड 10 हर्ट्ज। जो ऊपर की इलेक्ट्रिक लाइन होती है, दैट इज अराउंड 50 हर्ट्ज। ये हमारे सेल के साथ इंटरफेयर करती है। मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रिक लाइन्स तो इतनी पावरफुल चीज है कि एक बार साइंटिस्ट ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स के नीचे अगर उन्होंने कैटल्स को छोड़ दिया या प्रेग्नेंट गाय को छोड़ दिया, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर डिफॉर्मिटीज थी, बर्थ के डिफेक्ट्स थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज बैड गाइस, इज बैड। तीसरी चीज, मैंने बेबी फार्मूलाज इसलिए लिखे हैं, जब रिसर्चर्स ने रैंडमली बेबी फार्मूलाज मार्केट से उठाए, वहां पे सोया था, कॉर्न था। ऑल दो हिंदुस्तान में जो सोया और कॉर्न है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अगर बेबी फार्मूला बाहर से आया है उसके अंदर सोया और कॉर्न है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर नहीं होता ना, बड़ा गंदा दिखता है, इस तरीके से हर तरफ से उभरा होता है, लेफ्ट राइट, बट उसको सुंदर दिखाना ना, सो दे मॉडिफाइड देयर जेनेटिक्स। नंबर 4, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। जब बाप स्मोकर होता है या एल्कोहल पीता है, एल्कोहल कितनी अच्छी है, हफ्ते में 2 पैक चलते हैं। नहीं गाइस, इसके ऊपर भी रिसर्च है। जो बाप स्मोकिंग सिगरेट पीते हैं, माँ कितना भी अच्छा खा ले, उनके बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटीज आएंगी, जेनेटिक मेकअप टूटा होगा। सॉरी गाइस, बट हमारे पापा ने अल्कोहल पी तब जमाना दूसरा था। आज यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अल्कोहल और स्मोकिंग। नो गाइस, 100% नो, क्योंकि जमाना चेंज हो चुका है। एंड लास्ट आई हैव रिटन एंगर, गुस्सा। गुस्सा आपका डीएनए डैमेज करता है। इसके ऊपर भी एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी हुई है। एक साइंटिस्ट ने एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को देखा माइक्रोस्कोप से, बड़ा ही सुंदर सा वाटर, पानी का एक बूंद था। उसके बाद एक ऐसा म्यूजिक चला दिया जिसके अंदर गुस्सा था, गालियां थी, और पानी का ड्रॉपलेट चेंज हो गया, उसका डीएनए डैमेज हो चुका था। हम लोग भी अराउंड 70% वाटर यहाँ है, अराउंड 80% वाटर यहाँ है, वी ऑल आर जस्ट वाटर। गुस्सा आपका डीएनए डैमेज करता है। ये एक्सपेरिमेंट पानी के ड्रॉपलेट से भी देखा गया है। सो गाइस, किसी को भी बुरा मत बोलो। आप एक काम करो, एक प्लांट लो, रोज उस प्लांट को गालियाँ दो, चिल्लाओ, वो मुरझा जाएगा। इसी तरीके से मैं कहती हूँ, अपने बच्चों पे मत चिल्लाओ। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, बच्चों पे नहीं चिल्लाना है, वो चाहे गलती भी करते हैं, बच्चे हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो गाइस, इससे होता है आपका डीएनए डैमेज। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो, जो कि डेफिनेटली रखा जा सकता है,
क्या है, अपना जो वाईफाई का रूटर है अपने कमरे से बाहर रखो, मोबाइल फोन है उसको थोड़ा टाइम ही एक्सेस किया करो, सारा दिन अपने आप से मत चिपका के रखो, तो आपका डीएनए रिपेयर होने लगेगा अगर आप अच्छे से खाना खाओगे और अच्छे से मिनरल्स लोगे अपनी डाइट में। बट ये वीडियो है कि हमारा जीआई ट्रैक जहाँ पर डाइजेशन होती है उसको कैसे ठीक करना है, वो समझने के लिए मैंने आपको जेनेटिक थ्योरी समझा दी, अब मैं आपको जर्म थ्योरी समझाऊंगी, जीन्स एंड जर्म्स। जीन्स जेनेटिक थ्योरी आपको सारी समझ आ गई वीडियो वन वीडियो टू में, अब आएगी जर्म थ्योरी। व्हाट इज जर्म्स, व्हाट आर जर्म्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देख भी नहीं पाते हो, बैक्टीरिया फंगाई मोल्ड्स, ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में भी प्लांट में भी, मैं दोनों का समझाती हूँ। फर्स्ट लेट्स टेक ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ, अगर आप किसी इंसान को ग्रेवयार्ड के अंदर डाल देते हो तो आप उसको कुछ टाइम बाद खोलो वो डस्ट बन चुका होता है। किस चीज़ ने इंसान की बॉडी को गलाया या फिर डस्ट में चेंज किया, डस्ट से ही आए हैं डस्ट में ही चले जाएंगे, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फंगाई। ये वही बैक्टीरियाज थे जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज किया गया, ह्यूमन बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिला, पानी नहीं मिला, सारे ऑर्गन सड़ने लग गए, हवा नहीं मिली ब्रीदिंग के लिए, ग्रेवयार्ड के अंदर चला गया, तो वो इंसान एशेस बन गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जान भी है और जान लेते भी हैं। ये आपका एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री की रूट्स हैं, ये सॉइल है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब एज अ गुड बैक्टीरिया से एक्ट कर रहे होते हैं, इनके तीन फंक्शन हैं। पहला फंक्शन न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पे हमने खाद डाली, खाद के अंदर जितने भी आयरन हैं विटामिंस हैं उनको ब्रेक डाउन करके इस प्लांट को देना, फिर इस प्लांट को बैड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना, उसी प्लांट को कीड़ा लगता है जहाँ पे सॉइल नरिशमेंट नहीं है, ठीक है, एंड देन एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट्स को एप्पल के अंदर एब्जॉर्ब कराना, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम है। जब आपका प्लांट एप्पल प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, 50% वो एप्पल में डालता है, 50% वो वापस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देता है, इसको इनकी जरूरत है, इसको इनकी जरूरत है। सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तीन काम है, मैं अब आपको जर्म थ्योरी समझा रही हूँ, जेनेटिक थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, यही तीन काम हमारे जी आई ट्रैक में है। न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन, मतलब आपने ब्रोकली खाई, ब्रोकली से विटामिन सी से कोलेजन बनेगा नहीं बनेगा ये लोग डिसाइड करेंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करता है बैड बैक्टीरिया से एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं ये मरने लगते हैं और यहाँ पे क्या होता है, लीकी गट, जितनी भी ऑटोइम्यून कंडीशन हैं वो लीकी गट की वजह से होती हैं। मतलब हमारा न्यूट्रिशन था वीट के अंदर, अब वीट का जो बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूटेन, वो जब यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर आया या मिल्क प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर आया, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, इसीलिए मैं लोगों को ग्लूटेन और डेयरी छुड़वा देती हूँ। क्या चीज़ किल करता है इसको, पहली चीज़ सी सेक्शन, क्यों बच्चे का मुंह पहले निकलता है, जब बच्चे का मुंह निकलता है बच्चा माँ के वजाइनल ओपनिंग से सारे के सारे बैक्टीरिया खा के आता है, अगर माँ के वहाँ पे बैड बैक्टीरियाज हैं तो बच्चे को भी बैड बैक्टीरिया ही मिलेंगे। बट पहला एक्सपोजर जो इस लाइन का होता है वो होता है जब बच्चे का नॉर्मल बर्थ होता है, इसी कारण मैं 23 घंटे तक लड़ती रही कि बच्चा होगा तो वजाइनल बर्थ से ही होगा। अब आप ये बोलोगे पलक बट मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, ऑफकोर्स दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, या मेरे बच्चे के ग्रे हेयर आने लगे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन दे भी दो काम नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और ब्रेक डाउन करने के लिए गुड बैक्टीरिया नहीं है। तो जो नई माएँ बनी है वो क्या करेंगी, वो अपने निपल्स के ऊपर बच्चे को फीड करते वक्त प्रोबायोटिक पाउडर डाल सकती हैं, लैक्टोबैसिलस, बिकॉज दिस इज लैक्टोबैसिलस। आप मेरा प्री प्रोबायोटिक पाउडर भी यूज कर सकते हो, उसको अपने निपल पर लगा सकते हो एंड बच्चे को फीड कर सकते हो। इसका मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं सी सेक्शन से उनके क्या जीरो एक्सपोजर ऑफ गुड बैक्टीरियाज होता है, नहीं गाइज, उनको स्किन वाला मिलता है बट जो असली वाला होता है वो नहीं मिलता है, बट यू कैन रीग्रो इट एग्जैक्टली। और जब बच्चा खाने लगेगा उसको फर्मेंटेड खीर देना, प्रोबायोटिक रिच फूड देना एंड बच्चा विल बी हेल्थी। सेकेंड एंटीबायोटिक, वॉट इज बायोटिक, बायोटिक मीन्स लाइफ,
It is anti-life. What are probiotics? Probiotics is pro for life. So antibiotics ने बहुत लोगों की जान बचाई है, but overuse of antibiotics के कारण ये good bacteria भी हमारी body से wipe out हो गए हैं। एक जो antibiotics होते हैं वो तभी देने चाहिए जब एक इंसान की हमें जिंदगी बचानी हो। एक human body is capable of having only one antibiotic course. उससे ज़्यादा आपने किए, your good bacteria are gone. Number third, different type of medications like statin drugs, cholesterol, blood pressure wale, they kill your good bacteria. Guys, एक चीज समझो, ये जो germ theory है, ये जो micro organisms हैं, ये वही चीज है। पहले plant को help करते हैं nutrition देने में, apple बनाने में, और उसके बाद जब apple हमारे पास आ जाता है, ये काम करते रहते हैं, तभी apple गल जाता है। अब गले वाला apple थोड़े दिन के लिए कहीं रख दो, उसके बाद उसके अंदर एक powder आने लगता है, right? That powder is actually molds. ये मोल्ड्स इतने एग्रेसिव और इतने खतरनाक होते हैं, आप एक फर्मेंटेड खीरा रख दो, उसको टच भी नहीं करो सड़े हुए एप्पल से, वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं और वहाँ के जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इन मोल्ड्स को सर्वाइव करने के लिए एप्पल की जरूरत है। इनको ये लगता है, मोल्ड्स को लगता है कि ये हमारा सर्वाइवल है एप्पल, और अगर किसी ने हमें किल करने की कोशिश की, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। इसीलिए सॉरी, मैंने वर्कआउट देखा, मोनिका बुकू वर्कआउट ले रही थी, यहाँ पे सारा लीकेज था, मोल्ड्स थे, दे आर वेरी वेरी डेडली। ऐसा माना गया है कैंसर भी एक टाइप का फंगस है। सो जब एक सेल को सड़ जाता है, फंगस लग जाती है, जिसके मैंने डिफरेंट कारण बताए हैं क्यों बैड बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वो कम्पीट करते हैं कि मैं किसी अच्छी चीज़ को टिकने नहीं दूंगा, इसीलिए उसको फिर कीमोथेरेपी से मारा जाता है। सो गाइज, अगर आपको बीमारी को रिवर्स करना है, जर्म एंड जेनेटिक थ्योरी इन दोनों को समझ लो, मेरा पुराना वीडियो जरूर देखना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अपना डीएनए रिपेयर करो एंड अपनी जीआई ट्रैक को रिपेयर करो। जीआई ट्रैक को कैसे रिपेयर करते हो? द टू मोस्ट पावरफुल हर्ब्स आर स्लिपरी एल एंड एलोवेरा। अब आप मेरा लीकी गट का पाउडर ले लो, उसके अंदर देखो, मैंने स्लिपरी एल एंड एलोवेरा डाला हुआ है। ये दोनों हर्ब्स, एलोवेरा इज लाइक सूदिंग, वेरी सूदिंग, स्लिपरी एल नाम से ही पता चलता है, इट्स लाइक अ जेली टाइप मटेरियल। ये क्या करता है, आपकी जीआई ट्रैक के अंदर छेद है, सेल्स नहीं है, वो उसको कवर अप कर लेता है ताकि कोई फूड पार्टिकल्स ना हो। प्लस इन दोनों हर्ब्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर हैं, ये न्यू सेल्स को उगाते हैं, बट सेल्स को उगाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए डीएनए और आरएनए में, ये मेरे लीकी गट के अंदर जो बाकी मैंने चीज़ें डाली हैं उससे आपको मिलेगा। ऐसे ही नहीं सब कहते हैं पलक योर प्रोडक्ट्स आर मैजिकल, बिकॉज दिस इज वेयर मैजिक हैपेंस। सो गाइज, आई विश यू ऑल अ वेरी स्पीडी रिकवरी। अपना जीआई ट्रैक ठीक करो, अपने बच्चों का जीआई ट्रैक करो। All the good health from Palak. Comment section में मुझे बताओ, do you want more whiteboard type videos and do share this video. कौन समझाएगा, कौन forward करेगा उन लोगों को जो गलतियाँ कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो। Thank you so much. Take care. Bye bye.